ये सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। देखो अगर हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, दो ट्यूनिंग फोर्क चलो ले लेते हैं, ये एक का था अननोन फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं वन बोल देता हूं, दूसरा नोन फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज़ है, 250 हर्ट्ज़ है, इसको मैं नोन फ्रीक्वेंसी बोल दूं। जब इन दोनों को एक साथ साउंड जनरेट किया गया तो हमें 4 बिट्स मिलता है, ठीक है। चलो तो F1 माइनस F2 हम सबको पता है इज इक्वल टू 4 बिट्स है, बिट्स मतलब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। तो F1 की वैल्यू आती है F2 प्लस माइनस 4, तो F2 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा 250 प्लस माइनस 4, मतलब ये आ जाएगा F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 254 या 246। तो ये तो क्लियर है कि जो F1 की वैल्यू है ये तो क्लियर है, जो इसकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी या तो 254 होगी या 246 होगी, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसमें से दो ऑप्शन आ गया, 50-50 आ गया, तो अब मैं कन्फर्म करूँगा, ये बात क्लियर करूँगा कि इसमें से सही कौन सा है, उसके लिए कुछ कंडीशन सवाल में दिया होगा यार। चलो क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये कहता है सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी तो यही था, तो ये जो है इसको मैं फर्स्ट हार्मोनिक बोलता हूँ, ये फंडामेंटल है या फर्स्ट हार्मोनिक है। अब इसका सेकेंड हार्मोनिक करो, तो सेकेंड हार्मोनिक मतलब इसका डबल, थर्ड हार्मोनिक मतलब इसका 3 टाइम्स, फोर्थ हार्मोनिक मतलब इसका 4 टाइम्स। तो पहले अननोन फ्रीक्वेंसी का सेकेंड हार्मोनिक करो, इसको डबल करो, तो इसको सेकेंड हार्मोनिक जब इसको डबल करोगे सेकेंड हार्मोनिक, तो ये आ जाएगा 8 और 0 508 आ जाएगा या 492 या 508, दीज आर द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। अब क्या हुआ, आगे बढ़ो, 5 बीट्स देता है पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ 513, एक नया साउंड का सोर्स आया उसके साथ हमने बीट जनरेट किया कितना 5। चलो नया सोर्स ले लेते हैं साउंड का, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज़ है, ये न्यू सोर्स आ गया, इसके साथ सेकेंड हार्मोनिक को बीट्स ये जो नया सोर्स आया, ये नया सोर्स वो अननोन फ्रीक्वेंसी के सेकेंड हार्मोनिक के साथ कितना बीट्स दिया, 5 बीट्स दिया। तो क्या देखो, इसमें 5 बीट्स मिल सकता है, तो 13 और 8 8 5 13, तो ये अगर इसको और इसके साथ एक साथ साउंड करते हैं तो मुझे 5 बीट्स मिल जाता है, 513 और 492, क्या कभी 5 बीट्स मिलेगा, नहीं यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 508 क्वेश्चन के कंडीशन से हिसाब से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, मतलब 254 सही है, सी ऑप्शन सही है। कंडीशन जैसे दिया वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं।